हुआ क्या है आखिर यहां पर? थम गया सब कुछ, खामोश हो गया सब, सब थम गया है। अल्लाह ख्याल करे कुछ होने वाला है, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा है सजाद भाई, मेरे क्या करें क्या नहीं करें। ये मुझे वो लग रहा है कि ये एकदम खामोशी जो है ना, ये कुछ होने वाला है, देखते रहना कामरान आगे पीछे देखते रहना। अस्सलाम वालेकुम। बस बस आगे मत जाएं, आगे मत जाएं, धोखा भी हो सकता है सर भाई, बात सुनो, धोखा हो सकता है, इस तरफ आ जाएं। क्यों नहीं सर भाई, इधर आ जाएं, गिर चुके हैं हम, गिर चुके हैं यार, हम गिर चुके हैं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। भौंक क्यों नहीं रहा, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? अरे वो क्यों भोगेगा, उधर ही बुलाएगा हमें जहाँ वो लोग हैं। अब आया सजल भाई, इसकी आंखें देखें आप, हमें क्यों नहीं देख, देखो ये देखो आंखें चमक रही है इसकी, ये कोने पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल कोने में, ये देखो ये देखो भाई, कुत्ता है क्या है, अल्लाह आलम क्या है सर भाई, ये देखे ये देखे यहीं पे खड़ा हुआ जहाँ अभी कुछ सफेद रंग की चीज हमने खड़ी भी देखी थी। हाँ, हाँ, हाँ। अभी ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भौंक नहीं रहा, हमारी तरफ नहीं आ रहा, ये हमें देख के भौंक रहा भी तो नहीं है भाई। यार हमारी से जिंदगी में पहली मुलाकात हो रही है यार, इतनी बड़ी कुतिया होती है? नहीं माशाल्लाह, पहली बार देख रहे हैं यार भाई, इतनी सब सब थम गया है, सब कुछ थम गया। सुनिए बहुत दूर से आवाज आ रही है, बहुत दूर से बिल्ली की आवाज आ रही है यहाँ से, ये सब सब थम गया है, सब कुछ थम गया। सुनिए वहाँ क्या है, किसे देख, बहुत दूर से आवाज आ रही है, किसे देख रहा, स्विमिंग पूल में सोच रहे कौन है स्विमिंग पूल में, देखा हमने यार, एक बार नहीं भौंका भाई, बस अब उधर नहीं जाना, हम देख के आए कुछ, हम कुछ देख कर आए वहां पर, गलती नहीं करनी है भाई, ये वहां से आया जी, हाँ सीधा पूरा हमें गोल घुमा वो हमारे पास, फिर गया है वो आवाज़ें, हाँ जी सजा भाई, टटेरी भी आ गई थी यार, ये हमारे यार सर पे ही है, तू काली सीख से खड़ी है, सिर्फ पांच, ये कैसी आवाज है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसी आवाज है यार, हम घिर गए सजा भाई, निकले निकले सजा भाई, सजा भाई चले 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 चले, चीज है वाह अल्लाह वाह वाह, चल चल रुक जाओ रुक जाओ, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ, चलो उस तरफ आ जा, रुक जाओ रुक जाओ, बीच बीच आ जा, बीच में रुक जाओ, फिर रुक जाओ, आगे नहीं जाओ, वहां मत जाओ, नहीं जा जाओ, वहां मत जाओ, रुक जाओ, तो बस तक पर जाए तो जाए कहां, बस क्या हो गया, घिर गए ना, मैंने आपको कहा ना यार, हर हर रास्ते पे, इधर गेट पे, इधर गेट पे, हाँ उस गेट पे, इस गेट पे, तौबा तौबा सुन भाई, ना 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 अभी थोड़ा रुक गए सर भाई, निकले यहां से, नहीं 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 नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना, गलती मत करना, कुछ भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, यहीं रुको, यहीं रुको सर भाई, यहीं रुको, यहीं रुको, थोड़ी देर बाद कुछ फैसला करेंगे, रुक जाओ, लाहौल वाला कुत अल्लाह बिलाल अदीम, लाहौल वाला कुत अल्लाह बिलाल अदीम, यार साहब भाई गलत फंस गए हैं भाई, आज गलत फंस गए हैं यार, गलत फंस गए हैं आज भाई, कैसी आवाज है, आज गलत फंस गए हैं यार, आवाज रिकॉर्ड, आवाज रिकॉर्ड, बस बस साहब भाई, यार यार गेट से नहीं जाना, जल्दी 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 वहां से जाना, अल्लाह का वास्ता, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, नहीं 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 नहीं, इसी रास्ते से, इसी रास्ते, सफेद मक्खी, सफेद कुत्ता था, आप निकले निकले, आगे चले आगे चले, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं सर भाई, साथ साथ हैं, कमरान साथ, ये तो बहुत बिगड़ते हैं यार, कमरान साथ रहे, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो, चलो चलो चलो, कांटे संभाल ला यार, टटेरी टटेरी, पढ़ लेते हैं वो, जिस रास्ते से आए ना वहीं से जाते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं, हम बाहर निकल जाएंगे, हाथ संभाल, हाथ संभाल, कमरान कमाल, और किसी के साथ नहीं जाना, लाहौल वाला कोत कर रहे कोई भाई, लाहौल वाला कोत अल्लाह बिलाल दी, सजाद भाई शोर से मेरे कान फट रहे हैं, हाँ ना यार, पटेल ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसे नहीं यार, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अल्ला बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा यार, साथ रहो साथ रहो, अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे खुदा, बस अल्लाह 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 अल्लाह, नहीं नहीं,
अल्लाह बहुत बड़ा है यार, साथ रहो साथ रहो, अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे खुदा। बस अल्लाह 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 नहीं पता क्या, अल्लाह अल्लाह बहुत अल्लाह, नहीं नहीं फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, आ जाओ जल्दी आओ, फायर नहीं मारना, फायर नहीं, क्योंकि इंसान नहीं है वो। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा यार, रिवर्स का रास्ता जगह नहीं है, आपने हमें तीन चार मखलूक कही, कुत्ते अलग बिल्ली अलग, तैयार नहीं होते बिल्कुल भी नहीं होते यार, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है भाई, नहीं देखी है किया मामा, कभी नहीं देखी है यार, हम शाम से गए भाई, हम शाम से यहाँ पर गाड़ी घुमाए, गाड़ी दीवारें चार दीवार है, फायर किस पे कर रहे थे वो, आपको नजर नहीं आया कुछ? मैं तो पहले नजर आया फिर नजर नहीं आया, आपने क्या देखा? मैंने वही देखा, मैंने समझा वो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर इंसानों में चीजें होती हैं ऊपर। अच्छा इनको कुछ और नजर आया ना साहब, इन्होंने अपने हिसाब से फायर मार दिया, आपने देखा है? जी आपने देखा है मामा? हाँ ले साहब थोड़ा पीछे लेकर आया, हाँ यही ले, ले लूँगा, मुझे लाइट दे वहाँ पे, सही जाओ, हाँ जाने दे, सही जा रहा हूँ, हाँ जाने दे, रास्ता यही है जी, यही है, उधर कांटे तो नहीं है कोई? जिस तरीके से घेरे में आ गए थे ना, तो भाई यार बस दिल फट के आ जाता है यार, आज फर्स्ट टाइम हमने बहुत बड़ी सफेद कुतिया देखी मामा, अभी हमने रिकॉर्ड किया उसको, बहुत वैसे बात बताऊं इतनी हाँ। बड़ी सफेद, इतनी बड़ी कुतिया नहीं होती, नहीं भाई। होती है, नहीं होती कुत्ते होते हैं बहुत बड़े, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, इतनी बड़ी। आपको समझाया भी तो सर कि आप यहाँ ना आए यार, आपने कुतिया का तो जिक्र नहीं किया था यहाँ, आज तक नहीं देखी कोई, शाम से हम लोग यार, हम लोग भी यही है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, कुत्ता आ जाए तो भौंकता है, अगर किसी को गैर को देख लेना, अगर हम या कुत्ता होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था यहाँ, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया भजन, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मैंने बिल्ली को देखा, बिल्ली को मैंने आपने कहा था ना बिल्ली मिलेगी, हमने देखा है बिल्ली को, लेकिन आप जो कुत्ते की बात कर रहे हैं कुतिया की, ये हमने कभी नहीं देखी यार, पता है यकीन करो इतना बड़ा कुत्ता होता है, कोयटा में देखा था हमने, इतनी बड़ी कुतिया थी वो कुतिया। अभी ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भौंक नहीं रहा, हमारी तरफ नहीं आ रहा, ये हमें देख के भौंक रहा भी तो नहीं है भाई, यार हमारी से जिंदगी में पहली मुलाकात हो रही है यार, कितनी बड़ी कुतिया होती है, नहीं माशाल्लाह पहली बार देख रहे हैं यार भाई, इतनी इतनी बड़ी भौंकी नहीं है, उसकी आवाज नहीं आई है, शाम से हमने देखा वो वेट से आई है हमारे चक्कर काट के, उस जगह चली गई जहाँ वो कटे हुए दरख्त थे सारे, हाँ वहाँ चले गए। आप शाम से कह रहे हो, हम यहाँ छः महीने से रह रहे, हमने कुत्ते कुत्ता नसर नहीं देखा, पर ये देखें आप चार दीवार यहाँ पर कुतिया नहीं थी, अगर ये कुतिया थी भौंकती अनजान क्यों आती, सब सब थम गया, सब कुछ थम गया, बहुत दूर से आवाज आ रही है, किसे देख रहा, स्विमिंग पूल में सुन रहे, कौन है स्विमिंग पूल में, आप कह रहे थे हमारे नजदीक थे बिल्ली देखी है यार, बिल्ली देखी है, अच्छा बिल्ली भी बड़ी थी, आप कह रहे थे बड़ी है, बड़ी है यार, मैंने कलर चेंज होते हुए देखा यार, फर्स्ट टाइम यार, नहीं ब्लैक देखी है, काली और कुत्ते की भी आंखें काली, मैं आपको झूठ तो नहीं कर रहा था, मैं आपको देखा, मैंने बोला, मैंने मुझे मिस कर रहा था, हमने तो आपको शुरू से मना किया कि आप ना जाए, ना जाए, और
एक पहले भी हमने कहा था कि अगर कोई वैसे भी चलेंगे ना क्या तो हमने तो अभी जाना है सर, आज बहुत हो गई हमारे साथ। तो फायर किस पे कर रहे थे यार? फायर तो मुझे वो जो नजर आता मैंने उस पे किए फायर। ऐसी आवाजें खिचड़ी जैसे। कुत्ता तो नजर भी नहीं आया, मैं आप कह रहे हो कुत्ता तो हमें तो रास्ते में भी नजर नहीं आया, आपकी तरफ लौटे भाग गए आपकी तरफ, किस तरफ गए कुत्ता? वो खामोशी से आया, खामोशी दूसरे फार्म की तरफ, दूसरे फार्म की तरफ चला गया। कुतिया थी लाहौल वाला, लेकिन वो बहुत ही क्यों थी, बड़ी भी बहुत थी। अच्छा क्या आप लोग गेट पर आए थे पहले? नहीं यार, गेट पे हमने वाइट कलर की कोई मखलूक देखी हमने खड़ी, यहीं पे खड़ा हुआ जहाँ अभी कोई सफेद रंग की चीज हमने खड़ी हुई देखी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले हम नहीं है, हमने जब आपकी आवाज नहीं दबाया, हम तब आप किसी को पुकार से नहीं, आपकी आवाज सुनी, आपकी सदा फिर हम बात करा रहे। जब मैंने ये कहा कि अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, हाँ तो ये गेट तक आ चुके थे। अल्लाह बहुत बड़ा यार, साथ रहो साथ रहो, अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे खुदा, बस अल्लाह 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 ठीक है। नहीं पता क्या, नहीं नहीं फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, क्योंकि इंसान नहीं है वो। चीखो पुकार हमारी साथ साथ उनकी जो आ रही थी। हाँ संभाल के संभाल के, कमरा हट जा, परिंदे क्या हुआ? वो पीछे देखा ना, उसको मैंने कहा था पीछे देख के जाना। आवाजें हाँ जी यार, ये सर पे ही है वो काली सी खड़ी है, सिर्फ पांच, ये कैसी आवाज है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कैसी आवाज है यार? हम घिर गए दादा, निकले निकले दादा, चले 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 यार, बहुत सारे जानवर जैसे शोर करते हैं ना, आवाजें हमें आई है तभी तो हम आए आपके पास, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ गेट से वहां तक बहुत पास। अल्लाह बहुत बड़ा यार, साथ रहो साथ रहो, अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे खुदा, बस बड़ी जगह है, भगा देते थे अच्छा खासा, दो सेकंड लगते थे तुम्हारे यहाँ पहुंचने से, दिखने में बड़ी थी वो, बड़ी नहीं आ रही। मैंने दो आंखें देखी हैं, आम बिल्ली से बड़ी थी, आम बिल्ली से बहुत बड़ी, और उसकी आंखें मैंने ज़ूम किया है, आप चेक करें सजाद भाई एडिट पे। सजाद भाई इनको भी इशारा दे दीजिए, हाँ हाँ अभी हम भी निकल रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचा दूं आप लोगों को? नहीं मेरे भाई ने पूछा है, हम लोग चले जाएंगे, बाइक पे चले जाएंगे। अच्छा चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहे यार, खुश रहे भाई। हमारे पीछे भी चीजें थी जिसको इन्होंने फायर किए हैं, सुहेल भाई स्ट्रेट फायर किए इन्होंने, बस अल्लाह 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 ठीक है, और नहीं नहीं पता क्या, अल्लाह अल्लाह बहुत अल्लाह अल्लाह। हमारे पीछे भी चीजें थी जिसको इन्होंने फायर किए हैं, सुहेल भाई स्ट्रेट फायर किए इन्होंने, अल्लाह बहुत बड़ा यार, साथ रहो साथ रहो, अल्लाह बहुत बड़ा है मेरे खुदा, बस अल्लाह 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 ठीक है, नहीं पता क्या, अल्लाह अल्लाह बहुत अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, आ जाओ जल्दी आओ, फायर नहीं मारना, फायर क्योंकि इंसान नहीं है वो यार, तब भी वो शायद वो समझेगा अंदर जो मखलूक घूम रही है वो आम कोई इंसान है, शायद हमें उन्होंने आस पास से आगे परेशान करने की कोशिश की, उन्होंने फायर खोल दिया उसके ऊपर। किसको फायर की है? अब वो उनको जो नजर आया होगा उस पर कर दिया उन्होंने। हमारे लिए तो वो चीज़ें अंदर थी ना उस फार्म के, हाँ उस फार्म के अंदर थी,
हम तो गेट की तरफ आ गए थे। हाँ। जब गेट की तरफ आए तो इन्होंने पीछे फायर किए हैं। हाँ। तो उस वक्त कौन था जिस पर फायर किए इन्होंने? नहीं, फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, क्योंकि इंसान नहीं है वो। आज तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आया कि यार कहाँ आ गए हम यार, इतने सालों में काम करते थे कभी ऐसा नहीं हुआ यार हमारी। आपको कहा ना यार, हर हर रास्ते पे, इधर गेट पे, इधर गेट पे, हाँ उस गेट पे, इस गेट पे, तोपा तोपा सुन भाई। ना 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 अभी थोड़ा रुक गया यार भाई, निकले यहाँ से। गलती मत करना, कुछ भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, यहीं रुको साहब, थोड़ी देर बाद कुछ फैसला करेंगे, रुक जाओ। अभी तक कभी इतनी भारी नहीं हुई जितनी यहाँ आके हुई यार। ये आपके सामने ये ओपन जगह है ना, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज मुझे फर्स्ट टाइम ये महसूस हो रहा था कि यार जाएंगे कहाँ से। आपने जब ये कहा ना यार फजल होने का इंतजार करें, तो मैं तो मतलब दिल बैठ गया मेरा तो। यार सुबह तक तो ये हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा सर भाई हमारे लिए। जबान से क्या निकला, अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, अल्लाह पाक खैर करेंगे, बेशक। कहाँ से गैबी मदद आई है? और अगर खुदा ना खास्ता ये लोग नहीं पहुँचते तो क्या मतलब वो जो मखलूक पर जिन्होंने फायर किए इन्होंने, वो हम तक पहुँच जाती? नहीं, वो शायद तादाद ज्यादा होने की वजह से वो पीछे हो गई, वरना शायद ये हमारी दौड़े लगवा देते, गाड़ी वाड़ी छोड़नी पड़ती है आज हमें, क्योंकि जो कंडीशन थी ना हम तीनों की वो ये थी कि बस किसी तरीके से यहाँ से भाग जाएंगे। ये कह रहे हैं कोई कुत्तिया कुत्ता है ही नहीं यहाँ पर, बाउंड्री है इतनी बड़ी, बाउंड्री कोई आ भी नहीं सकता। जब से मैंने देखा, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रही है कहानी की, वो कह रहे हैं हमारे साथ वाकई बाउंड्री है तो वो कहाँ से आई, उसकी आवाज़ क्यों नहीं आई? हमारे वहाँ पे इर्द गिर्द घूम रही है चारों तरफ यार। थोड़ी देर पहले हमें वहाँ सफेद रंग की कोई मखलूक नजर आती है, इंसान नुमा जी, और थोड़ी देर बाद वहीं पर सफेद रंग की कुतिया मिलती है, यहीं पे खड़ा हुआ जहाँ अभी कोई सफेद रंग की चीज हमने खड़ी हुई देखी थी। इतनी बड़ी कुतिया सर भाई, ये साइज हमने कोयटा में देखा था याद है? और बग्गा का भी यही साइज था, बग्गा कुत्ता था ना, कुत्ता बुलडॉग, उसकी कुतिया इतनी बड़ी, बड़ी बिल्ली इतनी बड़ी, आधा काला स्याह साया जो है ना वो नजर आ रहा है मुझे। कौन है वो? देखा वो, देखा वो, देखा वो, देखा वो, देखा सुन, देखा आज जो है ना अल्लाह का कोई खास करम था जो हम बिल्कुल नोक तक पहुंचे और बचे, इधर पहुंचे बचे, उस गेट पे गए बचे, मतलब आज क्या करिश्मा हुआ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है यार बयान करने के लिए। उन्होंने क्या कहा आपको? आप जाओ बिल्ली नजर आ जाएगी। और उसकी आंखें मैंने ज़ूम किया है, आप चेक करें सजाद भाई एडिट पे। आ गई। इन्होंने क्या कहा आपको? साये नजर आ गए, आ जाएंगे। कौन है वो? देखा वो, देखा वो, देखा वो, देखा वो, देखा सुन, देखा और इन्होंने तो कुत्तिया का जिक्र नहीं किया था, कुत्ते का जिक्र नहीं किया था, वो कहां से आ गए? वो कह रहे है ही नहीं, नहीं शाम से नहीं देखा यार हमने, यार आवाज ही नहीं आई पूरी इन्वेस्टिगेशन में, डे नाइट में आवाज ही नहीं है। दीवारों की हाइट तो देखें, वो गूंगी थी क्या? कुत्ता गूंगा था, सब थम गया है, सब कुछ थम गया। सुनो वहाँ क्या है, किसे देख, कैसे बहुत दूर से आवाज आई है, किसे देख रहा स्विमिंग पूल में? सुनो कौन है स्विमिंग पूल में? और बिल्ली ने बाकायदा आवाज दी है सज्जाद भाई। हाँ, अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई हो, अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई हो यार, रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं रिकॉर्ड हुई है, नहीं रिकॉर्ड हुई है, ये नहीं रिकॉर्ड हुई है, नहीं
वॉशरूम के ऊपर बैठ के आवाज नहीं है उसने? हाँ रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं रिकॉर्ड हुई है? नहीं। हाँ वॉशरूम के ऊपर बैठी हुई थी वो? बारिश भी अच्छी खासी। अल्लाह अल्लाह क्या देख लिया है यार। मतलब वो जो कह रहा था कि आप नहीं रुक सकोगे, चैलेंज है वही वाह। आपको अंदाजा है हम कितनी देर हमने खड़े होकर बात की है? मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई बात ही नहीं। गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी सर। हुआ क्या इधर ऐसा यार? अल्लाह माफ करे, ठीक है गैर मजहब थे पहले, लेकिन किया क्या उन्होंने? मतलब कुछ तो आबाद हो। हमारे साथ ये हुआ, डेयरी फार्म वालों के साथ क्या हुआ, कैटल फार्म वालों के साथ क्या हुआ, पोल्ट्री फार्म वालों के साथ क्या हुआ, फार्म हाउस के वालों के साथ क्या हुआ? यकीनन कोई एक हाथ अलग से मिल जाता होगा जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। 26 गार्ड्स चौकीदारों के साथ क्या हुआ? वो राह चलते हैं जो पड़ोसी फार्म हाउस पे आए थे उनके साथ क्या हुआ यार? उस बेचारे को क्या बीमारी हुई जिसको डॉक्टर कंसीडर नहीं कर पा रहे? और मैं बताऊं, शाम को जो हमारा दिल नहीं मान रहा था ना अंदर रुकने का, हमसे रुका नहीं गया, ये हमारे लिए बेहतरी हो गई। हम जबरदस्ती जोर लगाते ना अगर, तो आज कुछ अल्लाह पता नहीं हमारे साथ भी तबीयतों में कुछ हुआ होता। और रहमत भी बरसी उसी के में जिसने बचाया। शुक्र माशाल्लाह जी, मगर साथ ही है रही। यहाँ पर भी कहा जाता था ना कि ऐसी बीमारी हो जाती है कि जब आप जाते हो तो खून की उल्टियाँ हो जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये अमवाद जो हुई हैं उनका हमें पता नहीं, कोशिश कर रहे हैं किसी से पता चले। और ये जो एक दुआ कह रहे हैं, एक मदद कह रहे हैं, जो इस रहमत की शक्ल में हमारे सामने आई है, ये देख रहे हैं हम तमाम में भीग रहे हैं बारिश। हाँ बारिश में भीग रहे हैं और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें। कहते हैं ये बारिश तो बड़ी बड़ी वबाओं को पीछे कर देती है, ये क्या चीज़ है? लेकिन दादा जो आती यहाँ फील हुआ हमें, बड़ी बड़ी 50-50 साल पुरानी जगहों पे ऐसा फील नहीं है यार। गेट मेन गेट से कंडीशन में बारिश गिर रही है, मच्छर मेरे ऊपर है ये देखिए। हाँ वो असल में तुम्हारा डाक रहे भी है ना। और यकीन करें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा गुनाह हुए हैं, इसने बचाया है। सुहेल भाई हमें शेरशाह में भी इसी रहमत ने बचाया था, याद है आपको? ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। चुपा कैबरा बकरी डर रही थी, घबरा रही थी, और मैं आज आपको बताता हूँ कि उस रात हम पर भी हमला होता अगर बारिश की रहमत ना हुई होती तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब शाम को बारिश हुई है ना, मैं वहां मुतमईन हो गया हूँ कि ये हमारे लिए सेफ्टी। यार एक बात है, ऐसी नौबत तो सुरमे हमने तब देखी है जब बे इंतहा सख्त जादू किया गया हो, बे इंतहा शदीद दर्जे के अमलियात की गए हों, चिल्ला कशियां की गई हों, चिल्ले काटे गए हों यहाँ पर नेगेटिव, या कोई बे इंतहा ज्यादतियां की गई हों यार, इतना एक्सट्रीम लेवल। अब क्या वाकई छत पे कब्र थी? यार हैरत मेरे लिए, बहुत हैरत की बात है। वो जब से मैं उसको मेहराब समझ रहा था कि वो छत पे एक डिजाइन बना हुआ होता, वो है क्योंकि जब आपने कहा ना कि नहीं यार ये सही कह रहा है, तो बाकी ना मुझे कवर ऐसे नजर आई ना तो यूं, तो एक तो यूं बनी हुई है, ठीक है मेहराब यूं बना हुआ है, लेकिन वो जब यूं बनी हुई थी ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए हैरत की बात थी कि ऐसा क्यों है। तो मुझे कामरान की बात पे इत्तेफाक करना पड़ा कि हाँ नहीं हो सकता है, यहाँ दर्द हुआ मेरे यहाँ बीचों बीच ना ऐसा वजन सा आ गया था बिल्कुल शाम में। यार एक मौके पे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बहुत सारे कुत्ते बहुत सारी बिल्लियां रो रही हैं। लाहौल वाला कोता इल्ला बिलाल अज़ीम, लाहौल वाला कोता इल्ला बिलाल अज़ीम। यार साहब भाई गलत फंस गए भाई, आज गलत फंस गए यार, गलत फंस गए यार भाई, आज गलत फंस गए यार। जल्दी कौन है वो? देखा
वो देखा सुन भाई देखा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई मैसेजेस, बे इंतहा लोगों के कमेंट्स, कुछ तो मैं जवाब दे सका, बाकियों को यहाँ दे रहा हूँ कि बेहद शुक्रिया जी आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का। इस कदर प्यार दिखाया लोगों ने, डांटा भी है शदीद, ना नाराज़ भी हुआ है, गुस्सा भी किया है, और कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं। वैसे तो इतने कमेंट्स हैं लेकिन कुछ जो निकाल सका वो निकालें कि लोगों की जो राय दुनिया से इस प्रोग्राम के मुताल्लिक वो शेयर करूंगा आपसे। मैं खुशी होती है मुझे कि हम जो चीज़ें मिस कर जाते हैं वो आप लोग पॉइंट आउट करते हैं, और आप लोग जो अपनी राय देते हैं तो हम बड़ी कदर करते हैं। सही। अब जी जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना कि हम देख रहे थे और लकीली रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे, आपने देखा इस खिड़की से एक बहुत लंबा काला साया जो है ना वो यहाँ से वहाँ जाता है। ये तो एक रिकॉर्ड कर लिया, तो एक देख लिया, मैं आपको दिखाऊं, नोट कीजिएगा, इधर देखिएगा, देख रहे हैं? ये चेक किया गया ना, कोई क्या ये बहुत बड़ा वजूद गुजर गया, वो गया ना। जी जी। ये जगह कौन सी है जी? जब मैं अभी दाखिल ही हुआ था यहाँ पर और मैंने खुद देखा। कौन है? टटहरी ऊपर शोर कर रही थी। वो तो इतना शोर कर रही थी यार, खास इस मौके पे ना, और जैसे ही मैंने कहा कौन है उसी वक्त जो है ना बाकायदा मैंने देखा, और स्लो किया है जी, जूम किया है, ये देखें आप इसकी हाइट नोट कर रहे हैं शिराज भी, हम अंदर थे ना, हमारी हाइट यहाँ तक थी और ये चीज तकरीबन पूरी खिड़की पर है, इतनी लंबी। सही सही। और पूरा मूव हुआ है काला साया। कौन है? वो देखा सुन, मैं देखा। सच्चा उसकी मूवमेंट बड़ी यूनिक है, वो आप तो रियल लाइफ में इस तेज चल रहे हो, वो रियल लाइफ में बहुत स्लो चल रहा है। मतलब जैसे कोई चीज ना ऐसे हवा के साथ कोई चीज है, जैसे वो चल ना रही हो बकायदा, जैसे ना ऐसी कहते ना फ्लोट हो रही हो, जैसे इस तरह से तैर रही हो हवा में ना। ये नोट कीजिएगा, ये देख लें आप। ये सेकंड टाइम में ज्यादा ये देखा आपने जाते हुए देखा यहाँ से? जी जी। सज्जा ये आपकी खुशकिस्मती है या अजीब तफाकी, ये खिड़कियाँ तो बंद थी, खिड़कियों के पीछे रिकॉर्ड हुआ है। हाँ जी अंदर पीछे अंदर ये आप नोट कर लें कि कहाँ जाके जो है ना रिकॉर्ड। मुझे याद दिन में आपने बताया था इसी दरवाजे तो खुले हुए हैं, ये खिड़कियाँ वो बंद पड़ी हुई हैं। जी जी। अच्छा जी। अब जी लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ देखा है जो हम नहीं देख सके। मैंने बड़ा गौर किया, ढूंढा, मैंने स्लो भी किया है, मैं चाह रहा हूँ मिल के ज़रा ढूंढ लें कुछ है या नहीं है। मैं ब्राइट थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये देखें जी, यहाँ लोगों के मुताबिक कुछ काले साए हैं, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अब वो काले साए इनको कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं, शायद दरख्त के शेड भी हो सकते हैं। फायर नहीं मारना क्योंकि इंसान नहीं है वो। लेकिन बड़ा लोगों ने जो है ना कंफर्म कहा है इसको, मैं अभी सुनाता हूँ आपको। सजाद इनकी एंट्री जब मैं देख रहा था, मैं लिटरली मुझे नहीं लगा ये स्ट्रेट फायर आके हवा में करेंगे, मुझे ये लगा कि
खुदा ना खासा इनको काबू कर लिया है और ये आग पे आ गए। ये बात भाई ने कही है। दिल मेरा ना मकसद ऐसा हलक में आया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बात भी भाई ने कही, मैं दिखाता हूँ आप, पढ़वाता हूँ बल्कि। लाहौल वाला कोता अल्लाह बिलाल अदीम, लाहौल वाला कोता अल्लाह बिलाल अदीम, आप गलत फंस गए हैं यार, और मैं बल्कि आपको पहले कमेंट सुनवाता हूँ। सही ये जी कह रहे हैं एम मुइनुद्दीन कह रहे हैं सज्जाद भाई ऐसे जिन कभी नहीं चीखते, जरूर इन जिन्नात के साथ इंसानों ने बुरा किया है। हाँ ये इनका कहना है जी, क्योंकि जो शोर चीखो पुकार आपने सुनी, इनका कहना ये है कि पहले जो है ना यहाँ पर इंसानों ने बड़ी ज्यादती की है शायद। ठीक तो सज्जाद जानवरों की भी मिली जुली अजीब सी आवाजें लग रही हैं। ओहो जब ये है स्पोर्ट्स क्रिकेट, जब उस आदमी ने फायर किया था उस वक्त आपके पीछे सच में कोई ब्लैक कोई चीज थी भाई, आप कैमरा स्लो करके देखना आप। ये इन्होंने कहा। अब जी सैयद आरिश अलाइस हैं ये बता रहे हैं एक्सट्रीम हॉन्टेड लोकेशन सज्जाद भाई, जो बात मैंने यहाँ महसूस की है वही बात जो कामरान भाई बोल रहे थे कि यहाँ किसी का गला काट रहे हैं भाई, यहाँ किसी को मारा गया है, गलत काम करके इस जगह का मिसयूज हुआ है, शदीद गंदे जिन्नात का बसेरा हो गया है। अब इस जगह पर जो स्टार्ट में आपने वाइन की बॉटल्स दिखाई हैं ना, ये उस बात का बहुत बड़ा और वाज़े सबूत है कि यहाँ गुनाह अजीम हुए हैं। लास्ट सीन में आपके पीछे काले साये थे भाई, वो चौकीदार भाई नहीं आते और फायर नहीं करते तो आप लोग खुदा ना खास्ता गए थे। डिड यू नो दैट बचा लिया गया आपको भाई, वाकई दुआएं हैं आप लोगों के साथ, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने अमान में रखे, आमीन। सुमान आवाज़ें तो आपने बहुत सुनी, ये ऑडियो सुनिएगा। रिकॉर्ड हुई है ये? रिकॉर्ड हुई है? नहीं। रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं। रिकॉर्ड हुई है? नहीं। रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं। रिकॉर्ड हुई है? नहीं। रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं। रिकॉर्ड हुई है? नहीं। रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं। रिकॉर्ड हुई है? ये इस बिल्ली की आवाज थी जनाब। यार हमने बड़ी आवाज रिकॉर्ड की, शेर धाड़ है। ये हमने बिल्ली के मुंह से कभी रिकॉर्ड नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, ये चेक कीजिएगा। रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं। रिकॉर्ड हुई है? नहीं। हाँ। शायद आवाज बढ़ा के सुनाइएगा। लिटरली शेर धाड़ है। रिकॉर्ड हुई है ये? नहीं। रिकॉर्ड हुई है? नहीं। शेर क्यों? मैं वही तो कह रहा था कि बिल्ली है शेर है क्या है, इतनी बड़ी आंखें, ये तो दूर से देखी है आपने, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। मुझे इतना तंग करती है, मैं उस पर फायर भी मारता हूँ, काले रंग की बिल्ली रातों को आ जाती है। अब वो पठान भाई ऐसे तो नहीं बेचारे, कैसे उनका एक नागवारी थी चेहरे पे जब इस बिल्ली को याद कर रहे थे वो, कि भाई मेरी रातों की नींदें हराम कर दी उसने, ऐसा शोर। वो ऑडियो हमने रिकॉर्ड की है, पठान भाई ने क्या कहा था, आप जाओगे आपको बिल्ली तो मिलेगी। हाँ, वो वाली बिल्ली जरूर मिलेगी आपको, टकराव बोला था, मिली नहीं कहा था कि आपका सामना होगा। दादा मिली भी कहा, वॉशरूम की छत के ऊपर। ये देखिए सज्जाद, अभी आप जो ये आंखें दिखा रहे हो उसकी अपनी ब्राइटनेस, उसका चेहरा दिखना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं दिखा, नहीं आया, नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि इल्यूमिनेट करती है ना चीजें, मैंने फ्रेम में इसकी हैबत खोली थी। यहाँ देख लें मतलब यहां नहीं है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं आपकी ना, इतनी करीब से आंखें रिकॉर्ड हो गई, इसकी हैबत नहीं रिकॉर्ड हुई। अक्सर हमें चमकती हुई आंखें रिकॉर्ड हुई है, कभी लाल कभी पीली,
आपने नोट किया वो कभी सफेद जी अक्सर आपने देखा होगा, सिर्फ आंखें नजर आती हैं हमें। अब मुझे बताएं कोई कहेगा इसको बिल्ली? मैंने इसको फुल ब्राइट किया, ये मुझे नहीं दिखा पीछे, इसके पीछे कुछ चीज है। ये क्या फिनोमेना था, मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था कि हम इधर बैठ के बात करेंगे, मैं पूछूंगा आपने आंखों से क्या दिखा, वाकई बिल्ली देखी है आपने? यार मुझे ना नॉर्मल बिल्ली नुमा थी लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था, जैसे आपने जंगली बिल्लियां देखी है ना फॉरेस्ट के अंदर, वो तो यहाँ नहीं होती, उनके कोने नुकीले कान होते हैं शेर और बिल्ली के दरमियान, कुछ वो साइज था जो कि यहाँ होता ही नहीं है। वो तो खून खौर बिल्ली होती है, वो तो इंसानों पे भी हमला करती है, और वो जेट ब्लैक नहीं होती। नहीं वो चीती की तरह होती। हाँ वो जेट ब्लैक नहीं होती, वो थोड़ा सा ना टाइगर नुमा उसका जो है ना शेर होता है। अब आप क्या फिनोमेना है ये आपके सामने है। अब जी लोग जो कमेंट्स किए मैं अभी सुनाता हूँ आपको, पहले आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ वो देख लीजिएगा। सब थम गया, सब कुछ थम गया, इसने बोला है कुछ आते आवाज तो उसकी आ रही है, ये पूल में जाके क्या कर रहे हैं? सब कुछ थम गया, सुनी वहाँ क्या किसे दिखे? आवाज आप कह रहे हैं कि डरी हुई है बहुत, मुझे इसकी आवाज बहुत यूनिक लगी। कुत्ते जब बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो ये सी आवाज निकाली, पीछे हटते हैं। ये वाली सब थम गया, सब थम गया, सुनो जैसे वाकई सहमी हुई आवाज, डरी हुई आवाज। अब जो मैं परेशान हो रहा हूँ ना एक बात पे, या कहने खुश हो रहा हूँ वो इस बात पर कि यहाँ ना हमने क्या देखा बीच इन्वेस्टिगेशन में, हम अभी सामने काले साए देख रहे हैं और उसी दौरान ना हमारा ध्यान पीछे जाता है किसी आवाज पर, हम क्या देखते हैं कुछ सफेद चीज जो है ना गेट के बाहर खड़ी हुई है, सफेद चीज। ये आप देख लें बाउंड्री की दीवार और ये चीज, ठीक। थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैं इसके पीछे जाता हूँ, ये गायब हो जाती है वहां से, ये देख लें आपको सामने हिलती है, वो देख लें ये चीज ही गई। अच्छा ये भी ना जैसे वहां काला साया गया था ना, ऐसे ये सफेद साया नुमा ऐसे गया, मतलब उसको वॉक नहीं कहेंगे आप, ऐसी मूवमेंट कहेंगे। कैमरे की मोशन फास्ट है और उसकी मोशन स्लो है, जी हाँ स्लो मोशन कर रहे हैं। जी जी अब जो सफेद रुक गया यार, बिल्कुल वैसे ही है ना अभी, यही पे तो सारे इंसान वहां खड़ा हुआ था। कोई नोट किया आपने जगह देख रहे हैं आप? हाँ यहाँ पर आप जगह है, वही जगह है दादा। हाँ पीछे शीर्ष थे जहाँ आपने कहा था दिन में यहाँ जानवर ही पाले गए। उनका यार बिल्कुल वैसे ही था अभी, यही पे तो पहले इंसान नुमा खड़ा हुआ था। कोई ये एंट्री है और इसी एंट्री पे ये देखें, ये कोई सफेद सी चीज खड़ी है। हाँ ठीक सही। और इसी एंट्री पे थोड़ी देर बाद इसी पॉइंट के ऊपर आप देखिएगा, ये वहां गई और थोड़ी देर बाद हमें ये कुत्ता नजर आता। यानी कि वो चीज कुत्ते के रूप में दोबारा बदल के आई है, रूप बदल के आई है उनका यार। बिल्कुल वैसे ही था अभी, यहीं पे तो पहले इंसान नुमा खड़ा हुआ था। कोई जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं ना मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि चीज जो है ना थोड़ी सी क्लियर हो कि लोग भी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। यकीन करें जितनी इस इमेजेस में और जिसमें शूट में है जितनी एलिमेंट्स हैं ये आप आंखों से देख के आए हो ना तो आप नोटिफाई करो यहाँ ये जी 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 वरना हम नहीं पकड़ सकते। सही 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 किस तरफ क्या हो रहा है। अब जी ये क्या कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कामी के एम आई, आपने इस डॉग का साया देखा है? मुझे नहीं दिखा था। अरे हाँ ये इन्होंने कहा ठीक। अब आईज ऑन आर्ट हैं, ये कह रहे हैं इस डॉग को आप सबसे डर भी नहीं लगा ना इसने आपकी तरफ देखा, अजीब बिहेव है इस डॉग का। अरे सजाद भाई वो कुत्ता कुत्ती ही आपके लिए अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की मदद आपके साथ हर लोकेशन पे होती है, अल्लाह का शुक्र, इसी की वजह से आप हर लोकेशन पे बच जाते हो। अब ये
जो कहना था ना इनका, वो यही था कि जैसे नॉर्मल बिहेव नहीं था। मिर्जा वकर साहब कह रहे हैं, आई हैव पेट डॉग, वेन एवर डॉग सॉ अननोन पर्सन इन हिज एरिया द डॉग्स बार्क्स और ट्राई टू अटैक देम, सही, बट दैट डॉग डिडंट डू एनीथिंग। मतलब कह रहे हैं मेरे पास अपने पालतू कुत्ते हैं, अगर आप उसके एरिया में जाएंगे या वो किसी अजनबी को अपने इलाके में देखेगा तो उस पर भौंकेगा, उस पर हमला करेगा। और बाखुदा हमारी इससे पहली मुलाकात, भौंकेगा उस पर हमला करेगा, और बाखुदा हमारी इससे पहली मुलाकात, मतलब हमने नहीं देखा कभी ना मुलाकात हुई इस किस्म का कुत्ते, नहीं देखा सर हमने दिन में, हम यहाँ पर है ना दिन से नहीं देखा हमने कोई, यार आप नोट कर लें। वो बेचारे कह रहे हैं कि तो बाउंड्री वॉल के अंदर है ही नहीं कोई, और इतना बड़ा तो हमला कर देता है, मतलब हमें नुकसान पहुंचा दे कभी इसका साइज जो है। तो ये जो है ना, मतलब एक तरफ बात यारी मदद की और दूसरी तरफ बात जो है ना वो, यानी आपके साथ ये चल रहा था, सामने हमला हो रहा है पीछे से मदद हो रही है, दो दो कुवतें टकराई भी नहीं। और अब रंग भी नोट कर लें, सामने जो कुवतें हैं वो काली हैं, पीछे जो कुवतें हैं वो सफेद हैं। राहुल खरेटा साहब हैं। सज्जाद भाई, जिस जगह बाथरूम था जिसकी छत पर बिल्ली की आंखें नजर आ रही थी, वहीं नीचे बाथरूम के दरवाजे पर कुछ इंसान जैसा व्हाइट कलर में कोई खड़ा भी था, अच्छा, जिसे आप लोगों ने ना तो दिखाया और ना आपको दिखाई दी, पर हमें वीडियो दिखाई दे रही थी। और जिस टाइम आप लोग बाहर भाग रहे थे, वो गार्ड भाई आया था तो आपके पीछे ब्लैक सायों से नजर आ रहा था, जो आपके बिल्कुल पीछे थे। अगर गार्ड नहीं आते तो पीछे चल रहे भाई पर वो चीज हमला करती, अच्छा, मतलब ये आप लोगों ने देखा, मुझे तो, मैं क्लियर बताऊं, मुझे तो ये चीज नजर नहीं आई, मुझे नहीं नजर आई। तीन चार कमेंट्स आ गए इस तरह के, कोई थी, कोई मखलूक थी। एम तलहा खान साहब, हाँ जी भाई, आवाज आई है बिल्ली की और जो दूसरी आवाजें हैं वो बहुत मिक्स थी, यानी गाय की, कुत्ते की, बैल और जैसे वुल्फ, लोमड़ी एक्सेट्रा की मिक्स थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब बच गए और अल्लाह ने हेल्प भेज दी। बहुत बार हुआ है मुझे ना मिक्स आवाजें आई हैं, मैं समझ नहीं सका, बहुत सारे जानवरों की आवाज़ों को आप मिक्स कर लेना, वैसी आवाज़ें हमने पहले इतनी डीप रिकॉर्ड नहीं की थी जितनी यहाँ पर जो है ना EMF क्या EVP क्या सॉरी हमारे कैमरेज में भी रिकॉर्ड हुई हैं ये आवाज़ें। और कामरान भाई एक टाइम पर अपना कान पकड़ लिया था उनको ना, अजियत हो रही थी इन आवाज़ों से। मोहम्मद अहमद साहब हैं, क्या रिकॉर्ड कर लिया यार वो आवाज़ें, ओ माई गॉड, हम कुर्सी पे बैठे कांप रहे थे। अल्लाह बिलाल अदीम, लाहौल वाला कोता, अल्लाह बिलाल अदीम, यार साहब भाई गलत फंस गए भाई, आज गलत फंस गए यार, गलत फंस गए आज भाई, आज गलत फंस गए यार, जल्दी जल्दी जल्दी। अजायब खाना, हम वीडियो पर ये भयानक आवाजें नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, आप लोग वहां कैसे खड़े थे। आमिर साहब है ये, अच्छा जी। टेक्निकल वकास, यकीन करें बहुत शोज देखे हैं लेकिन ये जो एपिसोड देखी है मेरी, इधर घर बैठे हालत पतली हो गई थी, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको। अच्छा जी, रवीन शर्मा साहब, भाईजान रिक्वेस्ट है इस तरह की जगह पर ना जाया करें, कसम से इस तरह लग रहा था कि मैं खुद कहीं फंस गया हूँ, अल्लाह पाक ने हाथ रख के बचाया है आज, शुक्र है। ये रवीन शर्मा साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, सच बताऊं तो अल्लाह ने मदद की, ये साहब है मोहम्मद शुएब, सच बताऊं तो अल्लाह ने मदद की और हजरत की दुआओं का नतीजा था, आपने अल्लाह की मदद मांगी और उन्हें पता चल गया, उन्होंने दुआ फरमाई, ये मोहम्मद शुएब साहब है। अच्छा जी, जो सबसे एक कंसर्न कमेंट मैं चाह रहा हूँ, इसको पढ़ूँ भी क्लियर भी करूँ, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। ये है राजू पम्मी भुल्लर, ये कह रहे हैं ये कैसी जगह पहुँच गए हैं आप लोग, पता नहीं आप लोग बात क्यों नहीं मानते, इन देखने वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनका कहना। सही, अब आगे भी इनका मैसेज है लेकिन इसी बात पर मैं इनको जवाब दे दूँ कि मेरे जो करीबी हैं ना, चाहे वो मेरे बॉसेस हैं,
चाहे मेरे पीर भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब कहते हैं कि यार तुम अपनी ऑडियंस का बहुत ख्याल रखते हो, तुम लड़ जाते हो उनके लिए, तुम्हारा असासा है शायद वो, तुम उनके लिए कहीं भी चले जाते हो और तुम्हें ज़रूरत क्या है। तो मैं अपने खुद कहता हूँ कि हाँ यार मेरा असासा यही लोग हैं, और ऐसी बात नहीं है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। शिराज भाई वो दुआएं, ऐसे ऐसे मकाम पर जाके हमारे लिए दुआएं, हमारी तस्वीरों को सामने लगा के पीछे मकाम दिखाना, दिखाया मैंने। फिर ऐसे ऐसे तहाइफ, मैं कदर करता हूँ यार, मैं एहसान फरामोशी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे तहाइफ पहुँचाए गए कि जो कहते हैं ना कि सूंघ कर पहुँचाए गए, कभी निकला नहीं है लेकिन महसूस कर लिया। आप अंदाज़ा लगाएं, नूरानी पे मैं जा रहा था वो केकड़ा गाड़ी के अंदर, अशफाक भाई साथ थे, आपको याद होगा मैंने सर्दी में यूं किया था, मुझे गर्म कपड़े भेज दिए थे सिर्फ इस बात पे कि आपको ठंड लगी थी। ज़रा हालात टाइट थे, सख्त दिन चल रहे थे, वो दौर था, बताया था वो, तो मुझे आपने बताया था, याद है आपको, मुझे पता है, वो बात ही पता है। दुनिया से जी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, फोन पर बात तो छोड़े, मुलाकात क्या, फोन पर बात नहीं हुई थी, मतलब दुनिया से ना, वेस्टर्न यूनियन फलां फलां पता नहीं कितनी जगहों से ना, बस मेरे पास नंबर आता। अब मैं ढूंढता ये है कौन, इनको कैसे पता, बहुत जरा ना मैं यार क्या करूं, कंफ्यूज था कि यार ये मैं एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, एक तरफ जरूरत है और ये बगैर मांगे सब हो रहा है। मुझे याद है साईं ने फरमाया, और बैठा जा, बात तो करता नहीं था मैं, खुद ही आगाज हो जाता था, गुफ्तगू पता चल जाता था ना उनको, मतलब फरमा रहे कि सब अल्लाह की तरफ से, सही, बंदे का शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू करना है, लेकिन ये अल्लाह पाक करवाते हैं जिसके जरिए से, जिसके दिल में डाल दें करते वो हैं। तो मैं जी बिल्कुल मानता था हूँ रहूँगा कि असासा है जी, और ये आप लोगों की दुआएं मोहब्बत ही प्यार ही है जो ये सब काम करवाए जा रहे हैं, और मुझे अब इतनी कोई फिक्र नहीं रहती, मैं ना बोलता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती बोलने की, यार आप लोग सूंघ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, वो कर जाते हैं, वो भेज देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। क्या आप लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते? सज्जाद भाईजान, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी सावधान करने की कोशिश की थी लेकिन आपने मेक इट शॉर्ट लिख के टाल दिया। इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक अमेजिंग एपिसोड है, हमारे इंडिया में एक टॉप के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जान जा चुकी है, ये गालिबन गौरव तिवारी साहब की बात जी, है। जी, 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 मरहूम, सही, आप कम से कम बहुत ज्यादा डेंजरस जगह तो अवॉइड कर सकते हैं, छोटी सी बात है। तो नीचे ना अयाज अहमद साहब उनको जवाब दे रहे हैं, थैंक यू फॉर कंसर्न एंड चिंता। तो अर्ज ये है कि जो एक बात मैंने यहाँ से समझी ना सीखी, मैं ऐसी नई हिस्ट्री जानने की कोशिश करता, मैं हमेशा यही जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था, गलती है किसकी, ये ना हो कि हम किसी और की गलती का शिकार हो जाएं, गलती किसी और की हो, गुस्सा हम पर निकल जाए। तो मैं इसीलिए ये जानना चाहता हूँ, हमेशा कोशिश रहती है कि यार पता चले कि मसला शुरू कहाँ से हुआ, मसले की जड़ क्या है। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन वो जो बेचारे हमारे पठान भाई, वो भी 6 महीने से यहाँ पर आए, उनसे पहले जो गैर मजहब यहाँ पर काम करते, वो 20-22 साल से इन चीज़ों को देख रहे, सबको बता भी रहे, लेकिन एक्चुअली कोई जानता नहीं। एक ख्याल ये कि बड़े यहाँ पर नेगेटिव काम हुए जिसकी निशानियाँ मिली हमें, लेकिन यार ये जो रिस्पांस था शिराज भाई, इतना हैवी रिस्पांस जो था ना, वो कोई बड़ी हरकत की वजह से था। और आप शायद यकीन करें ना करें, दोबारा बुलाया गया है। अच्छा, ना करें यार, दोबारा बुलाया गया है, और एक मसला है, उठ गया है थोड़ा सा मसला शूट के आने के बाद जी, उस रात के बाद। नहीं नहीं, पता क्या, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं, फायर नहीं मारना, फायर नहीं मारना, आ जाओ जल्दी, फायर नहीं मारना, फायर नहीं, क्योंकि इंसान नहीं है वो। याद है उन्होंने दो बड़े सांपों का जिक्र किया था, बालों वाले, हाँ, तो उस हवाले से बुलाया गया है जी वहाँ पर दोबारा। तो कोशिश होगी कि पहले दिन में जाके बात कर लें, देख लें, पता कर लें कि है क्या मामला। अब बात यह है कि
उन्होंने हमारा साथ दिया तो हम पीछे नहीं हट सकते ना। ये सजात बहुत रिस्की है ये, बिल्कुल उस इलाके में इस हालात के बाद फिर कदम रखना, क्योंकि ये मखलूकात उन इलाकों पे काबिज है ना। पहले तो अंदेशे थे, ये सारी बातें हुई, ये सारी बातें टीम से हुई, सबसे हुई कि बनता नहीं है। वो भी ये कह रहे थे कि भाई, मैंने कहा नहीं यार, जब आप लोग आगे बढ़े हैं तो हम क्यों पीछे हटे, देख लेते हैं बात मसला है क्या पूरा। आपको जाके मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि पूरी बात उनसे ही सुनवाऊंगा, बतवाऊंगा भी आपको। तो ये एक कहने सोचा नहीं था, इतना कुछ देख लेंगे सुन लेंगे। अब तो आपको हमने वो साए भी दिखा दिए जो हम देख रहे थे वहाँ पर। लकीली ये कह लें थ्रेशोल्ड कह लें, एनालिसिस कह लें, इनकी एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह, सीनियर एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़। तो अब ये चीज़ भी आपके सामने आ, वो आवाज़ें, लोग कह रहे हैं कि आपने आवाज़ें सुन के आप खड़े थे। मैं कह रहा हूँ खड़े कहाँ थे हम, पाँव साथ नहीं दे रहे थे। आपने देखा होगा कि खड़े नहीं थे हम, देख वहीं रहे थे लेकिन पाँव पीछे जा रहे थे, निकलने के रास्ते ढूंढ रहे थे। और मज़ीद क्या आपको बताऊँ, शुक्र इस बात का कि आप लोगों ने महसूस किया, या बात पहुँच गई दिल तक पहुँच गई। तो मुझे लगता है सजाद, जो बारिश हुई ना, जो आप कहते हो रहमत बरसती है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। कुछ ना कुछ चीज़ें साथ हो ली, अकीदे पे भी, यकीन पे भी बड़ा, पुख्तगी पे भी बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, मैं किताब पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि हाँ जी, खास करम है, शुक्र खास नजर इनायत है, करम था है रहेगा, करवाए जा रहे हैं, काम करने वाले हैं नहीं, खुद ब खुद ही पहुँचा दिया जाता है, खुद ब खुद ही चीज़ें सामने आ जाती हैं, खुद ब खुद ही दिल में ख्याल आ जाता है पीछे हट जाए, खुद ब खुद ही कई अशकाल में मदद आ जाती है। सब आपके सामने, अब मैं क्या बताऊँ, आप तो अब खुद नोट ही करते हैं। मुझे तो भाई ये जो फिनोमेना आप ये रिकॉर्ड करके लाते हो ना, ये एनिमल्स के जो सुने थे, किताबों में पढ़े थे मैंने, मतलब हमने देखे जी, थे जी, 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 ये तो मतलब ये सीना का सीना चले थे कि ऐसा होता है वैसा जी, होता है, जी, जो ऐसी आंखें रुको उसके पीछे चेहरा नहीं है, ऐसे कुत्ते ऐसे जानवर जो उस इलाके के नहीं है जी, जी, और उनकी हाइट उनके उनके मामला, और वो आप लोगों को कुछ के भी ना कहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फरमाते ना जाते कि यार वजूद तो है ना इनका, और दुनिया से जब SSD में हमने जो लोगों के इतने मामलात आपके सामने शेयर किए हैं, उसके बाद क्या दो राय बची ना इस पर। तो ये सब आपके सामने है जी, जाते जाते पता नहीं क्यों लोग इस बात को महसूस कर गए हैं कि यार तुम जो हो ना बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा एहसास रखते हो। तो इस बात को मैं झुटला नहीं सकता ना, मैं पीछे नहीं हट सकता कि असासा आप लोग ही हैं जी। बिल्कुल सजाद, आपका जो है ना जो काम है ना वो सो रिस्की है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में भी रिस्की है और ये पैरानॉर्मल में भी है, तो वो बेशक आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन लोगों की बात भी जो होती है, आप थोड़ा सा अमल करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आपके सामने पीछे हट जाता हूँ, आपके सामने जाते ही मैंने कहा कि बस चलें यहाँ से, पीछे हट जाएं, गलती हो गई, मैं अंदर नहीं गया आपके सामने। तो कई बार मैं एहतियात कर लेता हूँ, क्योंकि लोग पहले तो मैं भी नहीं समझता था कि एक वक्त प्रोग्राम ऐसी मेरे पास डेटा की जरूरत आ जाएगा। तो मैंने खुद देखा कि दो दो घंटे आप जंगल में ड्राइव करते हो, अंधेरे में भी ड्राइव करते हो, रिटर्न में बहुत ही कैसा रास्ता याद रखते हो यार। यही दुआएं हैं, विदाउट GPS, विदाउट किसी मोबाइल की नेटवर्किंग के, ये है पागलों का काम है। मैं बाकी कोई समझदार बैठा हूँ, मैंने देखा है खुद ही, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मैंने कहा निकलेंगे कैसे, शायद दिन की रोशनी में निकल सकते हैं। और आप लोग की दुआएं मोहब्बतें हैं जो करवाई जाए, अल्लाह पाक बरकरार रखे, अल्लाह पाक और इजाफा करें। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।